बहुत भारी वोटों का हकदार बना था। तो जब भी मैं मुमरा में आता हूँ, ना सिर्फ यहाँ आता हूँ, मैं जब भी मुमरा में आता हूँ, जब सियासत की बातें निकलती है, 2009 का चुनाव की बात निकलती है, तो मरहूम नसरुद्दीन नाइक की याद मेरे दिल से कभी निकल नहीं। मेरे दिल में उनकी जो जगह है वो कल भी थी, वो आज भी। आने वाले रमज़ान महीने को लेकर क्या मैसेज? रमज़ान पाक महीना है, इबादत का महीना है, शांति और अमन से इसका गुजारा करो, दुआएं करो, विश्व में शांति हो, भारत में शांति हो। जो नफरत का माहौल बन रहा है, अल्लाह ताला उस माहौल को ख़त्म कर दे, यही दुआएं आप करो। दुआओं में याद रखना नाम के साथ पसंद है। और सीनियर सिटीज़न के लिए सुबह बैठ के कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के अंदर 100 150 200 400 स्क्वायर फीट के घर है, हम जैसे गांव में रहते हैं वैसा हम यहां पे नहीं फील कर पाते। ऐसी नेहा नायक के प्रयास से जो इसने अखबार पढ़ने के लिए वाचनालय बनाई है, इससे कम से कम यहाँ के बुज़ुर्ग लोग, मुझे मालूम है यहाँ के बुज़ुर्ग लोग सुबह मॉर्निंग में खास तौर से इसका इस्तेमाल करेंगे, और आप देखेंगे कि बुज़ुर्ग लोग ही ज़्यादा यहाँ पे पेपर भी पढ़ेंगे, किताबें भी पढ़ेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह ऐसे ही आगे काम कराते रहे, आवाम से इतनी ही शुभकामनाएं देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब मेरी बेटी इतनी अभी इतनी होशियार हो गई है, और बस जो कमी अच्छा काम कर रही है, अल्लाह से और तरक्की दे, इसके साथ में आप लोग भी दें। बस एक कमी सी थी, अगर इसके अब्बा होते तो बात और होती। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि अल्लाह ने मुझे उस लायक बनाया, खिदमत कल के लिए चुना, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काम इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि अल्लाह ने मुझे इसके लिए चुना, और अल्लाह जिसे चाहे उससे बेशुमार काम ले सकता है, और मैं उनमें से एक हूँ अपने ये सोच समझती हूँ। और मैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवर साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब, शमीम भाई, शानू भाई, मेरे सीनियर कॉरपोरेटर, मेरी वालिदा हफीज़ा नसरुद्दीन नाइक, ज़फ़र अंका भाई और सिराज डोंगरे साहब, इन सभी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, बेहिसाब सपोर्ट किया। देखिए, कोई भी खूबसूरत चीज़ दिखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके पीछे मेहनत, जद्दोजहद, डिटर्मिनेशन अगर आपका स्ट्रांग हो तो वो आप कितनी भी रुकावट आए वो आपको उस रुकावट को पार करते हुए आपको सक्सेस मिलता है। इस चीज़ के को बनाते वक्त मुझे थोड़ी तकलीफ़ें आई, नेचुरली आई, लेकिन मेरी एक मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग था कि मुझे करना है, मुझे बनाना है, दैट्स इट। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे कामयाबी मिली। देखिए, मेरे यहाँ जो एरिया के काफ़ी ज़िम्मेदारों ने मुझे सपोर्ट किया, कुछ जो एंटी है, जैसे कि जो हमारे पार्टी से नहीं बिलोंग करते, उन्होंने मुझे काफ़ी तकलीफ़ देने की कोशिश की, लेकिन वह इज़्ज़ मन तशा व तज़ुल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। और ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, जो मतलब आप सोचें कि ये कहाँ से आया और ये कैसे आया। मैं एक्चुअली जब बहुत कलवा थाना मैंने ट्रैवल किया, मैंने वहाँ पर बहुत सारे ब्यूटिफिकेशन के ऐसे काम देखे, मेरे माइंड में आया मैं सबसे पहले अपने मज़हब से रिलेटेड जो छोटी छोटी चीज़ें उधर हदीस है उसको हाईलाइट करूँ। सफाई आधा ईमान है, जो मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेप वन स्टेप टू से वो सफाई के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। आज मैंने ये बोर्ड लगाया है,
इसलिए लगाया है ताकि यहाँ राह चलते जब लोग जाए तो कचरा फेंकने से पहले उनके अंदर अल्लाह ताला कुछ तो थोड़ी सी इंसानियत डाल दे कि यहाँ जब लिखा है सफाई आधा ईमान है, तो हो सकता है वो इस चीज़ को सोचे, अमल करे। बाकी ये मेरे मरहूम वालिद साहब के लिए और उनके नाम का मैंने बनाया, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ सिर्फ मेरे माँ बाप की दुआओं से हूँ, और मुझे पॉलिटिकल सजी सजाए नहीं मिला। मेरे वालिद साहब 3 बार इलेक्शन खड़े हुए लेकिन 3 बार हारे, और उनके अंदर जो जज्बा था कि वो नहीं जीत पाए तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी मिसेस को, मेरी वालिदा को उतारा। उन्होंने, मेरी वालिदा जब जीत के आई उनका सपना साकार हुआ। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज़ अ वुमेन, सो शी इज़ अ वुमेन बिहाइंड माई फादर। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि बहुत कम अरसा वो हमारे दरमियान रहे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद बहुत तकलीफें आई, लेकिन मैं उसी बाप की औलाद हूँ जिस तरह मेरे वालिद साहब बहुत स्टबिन थे और बहुत डिटरमाइंड थे कि वो 3 बार इलेक्शन हारने के बाद भी उन्होंने अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा, उन्होंने ना जिद को नहीं छोड़ा, उनके डिटर्मिनेशन को नहीं तोड़ा। उसी तरह मैंने सोच लिया था कि मुझे ये बनाना है, हर हाल में बनाना है, किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी काफ़ी मदद की, और मेरे साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जो हमेशा व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मोटिवेट करते थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन काफ़ी काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं वो। और बस अल्लाह ताला इसी तरह मेरी खिदमत को कबूल फरमाए, और मैं भाई साहब को स्पेशल थैंक यू करूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। और अवर साहब को जब मैंने कहा साहब मैंने एक ज्येष्ठ नागरिक इकट्ठा बनाया और मुझे उसकी ओपनिंग करनी है, तो उन्होंने कहा 25 के बाद रख, क्योंकि अधिवेशन चल रहा था, वो बिज़ी थे। 26 तारीख को जब मैं उनके पास गई उन्होंने कहा फ्राइडे को रख, मैं आ रहा हूँ एनी हाउ, कितना भी बच जाए मैं आ रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि उन्होंने वक्त दिया। आज भी उनकी और मेरे वालिद साहब का जो रिश्ता है उतना ही गहरा है। ये सबूत है कि जब भी मेरे वालिद साहब से रिलेटेड या हमारे से रिलेटेड कुछ भी रहता है, साहब भाई साहब हमारे लिए हमेशा खड़े उतरते। सोहेल भाई और जफ़र भाई वेरी सपोर्टिव, वेरी काइंड, वेरी हम्बल, और मेरी हर चीज़ के ऊपर वो मुझे टोकते हैं, मुझे सिखाते हैं, समझाते हैं। सही गलत के ट्रैक से मैं थोड़ा हटती हूँ तो वो मुझे मेरे सरपरस्ती पे, मेरा उनका हाथ मेरे सर पर है, वो हमेशा मुझे नसीहत देते, ये नहीं ये कर, वो नहीं वो कर। ये सब मेरे वालिद साहब के पुराने फाउंडर्स हैं और ये पुराने लोग हैं जो आज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। महबूब भाई, नवरियाज भाई, गुलनार आंटी, आयशा, रशीदा, शबाना मैडम और शरीन नौशीन मैडम, और सभी का दिल से शुक्रिया। सारी राष्ट्रवादी पार्टी का, शमीम भाई, शानू भाई का भी, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और बस अल्लाह मुझे कामयाब करे, बस मेरी यही दो कोशिश है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोग का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि काफ़ी वक्त से आप लोग आए, और ये जो काम हुआ यहाँ पर वाचनालय का और मुफ्ती आज़म चौक का, ये बहुत ही जद्दोजहद के बाद हुआ, बहुत ही कोशिशों के बाद हुआ, बहुत ही रुकावटें आई, दिक्कतें आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस काम में नेक नियति होती है वो काम बहुत आसानी से हो जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ। क्योंकि इसमें मरहूम नसरुद्दीन नाइक साहब, मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो गली है, ये वार्ड है, मरहूम नसरुद्दीन नाइक साहब ने बहुत ही इसको अपने खून पसीने से सींचा है, बहुत ही काम किया, बहुत ही मेहनत की उन्होंने यहाँ पर, और इस वार्ड को वार्ड बनाने में बहुत ही अहम किरदार रहा है उनका। उन्हीं के नाम पर नेहा नाइक साहबा को बहुत ही जद्दोजहद के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। हफीज़ा नसरुद्दीन नाइक साहबा यहाँ पर मौजूद, हमारी भाभी हैं, बड़ी बहन का रोल अदा करती हैं, भाभी भी हैं, सरपरस्ती है उनकी। मैं आप लोगों को एक बात बताते चलूँ, काम कोई भी हो अगर उसमें लगन है और सच्चाई है तो काम अंजाम तक पहुँच जाता है। और हम लोग गए थे वहाँ पर, मंत्रालय गए हुए थे उनसे, एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने के लिए, अवार्ड साहब से हमने टाइम लिया तो उन्होंने भी लब्बैक कहा कि हम वक्त पर आएंगे। शमीम भाई से काफ़ी बात हुई, शानू भाई से, भाई साहब ने काफ़ी सपोर्ट किया। मैं तमाम लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर शरीफा रोड के तमाम आवाम का, और हमारी बहनें जो यहाँ पर काफ़ी देर से बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद थे, शरीफा रोड किस्मत कॉलोनी के तमाम ज़िम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत उन लोग काफ़ी टाइम से खड़े थे और हम लोगों का हमेशा सपोर्ट करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप मीडिया के लोग बाद में हैं, पहले हमारे शहर के रहवासी हैं, आप हमारे भाई हैं, बंधु हैं। अगर हमारे अंदर कोई कमियां हैं, खामियां हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों को भी नज़र आती हैं तो बराए मेहरबानी बिल्कुल आप हमको आईना दिखा सकते हैं। हम आपको चाहते हैं कि वही लोग हमारे सच्चे दोस्त हैं। देखो मैं हमेशा कहता हूँ जो मुझे आईना दिखाते हैं
जो मेरी कमियों को दिखाते हैं मैं उन्हीं को सच्चा दोस्त समझता हूँ। चापलूस लोगों के मेरे पास कोई कदर नहीं है, मैं उनको बिल्कुल पास में फड़कने भी नहीं देता। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग जो हमारे बेहतर काम है उसको भी बताएं और जो हमारी कमियाँ हैं उसको भी आप लोग बताएं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा और लोगों से गुजारिश करूँगा, शहर के लोगों से गुजारिश करूँगा कि रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, तमाम लोग आपस में मिलजुल करके इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहें। हिंदू मुस्लिम भाई यहाँ पर मुमरा कोसा की एक मिसाल कायम हो। हमारे शहर में हिंदू मुसलमान का त्यौहार है, देखिए कल गुरु पाड़वा है, शायद कल ही है, कल है, देखिए उसमें तमाम हमारे जितने शहर के मुसलमान हैं, मुसलमान भाई तमाम भाई हम उसमें शिरकत करने वाले हैं। हम चाहते हैं उसी तरीके से रमज़ान महीने में तमाम हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई सब लोग मिलजुल करके शांति के साथ एक ऐसा पैगाम दें। इस मुमरा की सरजमीन से एक ऐसा पैगाम जाना चाहिए जो पूरे हिंदुस्तान में जाए कि मुमरा कोसा में अगर एक ही बात चलती है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा और एकता का राज चलेगा, इस तरीके का नारा जाना चाहिए पूरे शहर में पूरे देश में। ये बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये मुमरा ऐसी जगह है जहाँ पर तमाम लोग मिलजुल करके रहते हैं। तो तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि मिलजुल करके रहें, अपने देश के लिए, अपने कौम के लिए, अपने मोहल्ले पड़ोस के लिए, तमाम लोगों के लिए खिदमत करते रहें और आप ऐसी कोई काम ना करें जिससे, देखिए हमारी कम्युनिटी खासकर मैं मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों से नौजवान जनरेशन से कहना चाहता हूँ कि वो कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे हमारी कौम पर हमारी कम्युनिटी पर दाग लगे। और माहौल बहुत ख़राब है, हमको सिर्फ भाईचारगी का पैगाम देना है पूरे शहर में। हम रमज़ान के महीने में अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारे मुल्क में सलामती दे, अमन कायम रखे। और मैं फिर से एक बार हफीज़ा नसरुद्दीन नाइक साहबा, नेहा नाइक साहबा और माननीय कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब, सैद अली भाई साहब, शमीम खान साहब, शानू पठान साहब और राष्ट्रवादी की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और मीडिया के लोगों का भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग वक्त मुकर्रर पे आते हैं। हमसे कुछ कोताहियाँ हुई हैं तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेट सवेर हो गया, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।